ओके, वेलकम टू एवरी वन ऑन माई चैनल कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस। सबको स्वागत करता है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस एंड ज्वाइन विथ मी मोर एंड मोर माई लवली फ्रेंड्स एंड माई पुपिल्स। जितना भी विद्यार्थीगण हैं, हमारे दोस्त हैं, जुड़ जाइए ताकि क्या हो, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल सके। आज जो है, मैं आज ही के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, तो आज उन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक स्पीच है। और इस स्पीच के कुछ लाइन अगर हटा देंगे तो आपको ऐसे बन जाएगा, तो समझिएगा दोनों लाइन है, तो देखते हैं। और वैसे लोग जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चाहे क्या हो आपको, और बेल आइकन का भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको जब भी हम अपलोडेड करें, या प्रीमियम लाइव हो या लाइव हो, तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो कॉर्डियल टू एवरीवन, स्पीच है माने भाषण है महात्मा गांधी। ये टेलीग्राम लिखा हुआ, टेलीग्राम का नंबर है 9473356276, इस पर आप जुड़ सकते हैं। देखेंगे अगर इस बात को अगर यहाँ तक जो लिखा हुआ है हटा देंगे, ये क्या अभिवादन है लोगों को, तो फिर आपको एक बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। तो समझिए कि दोनों बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, स्पीच में होता क्या है कि जो हमारे गार्जियन होते हैं, जिस जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो ऑडियंस को क्या करना पड़ता है, उनके अभिवादन करना पड़ता है, तो उसको अगर हटा देंगे तो ऐसे भी बन जाएगा ये। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि सुप्रभात आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और हमारे प्यारे साथियों या दोस्त। आई एम हेयर टूडे टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट महात्मा गांधी। मैं यहाँ आज क्या कर रहा हूँ, कुछ शब्द महात्मा गांधी के बारे में बोलने वाला हूँ। महात्मा गांधी वॉज द बिगेस्ट एंड ग्रेट पेट्रियटिक इन इंडिया। अर्थात महात्मा गांधी क्या थे, मैंने एक बिगेस्ट बड़े और क्या महान क्या था, एक देशभक्त है, पेट्रियटिक बने होता है देशभक्त। अब मीनिंग भी लिखते चलेंगे, और जब भी कोई सेशन को पढ़िए हमारा सेशन को, तो आप कॉपी कलम जरूर लेकर बैठिए। अब जो भी आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड हो तो उसको जरूर लिखिए। ग्रामर की बात जब बताते हैं कभी, तो अभी लिखते जाइए। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात स्टेट। कह रहे हैं कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जो कि गुजरात में हुआ था। हिज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी, ओ जी एन डी एच आई, मिस्टेक है यहाँ पे। मोहनदास करमचंद पूरे यहाँ गलत है, चांदी चलेंगे, इसको हटा दीजिए, गांधी लिख दीजिए, जी ए एन डी एच आई। क्या उनके फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज फादर ऑफ द नेशन, वह क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। एंड पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और फादर। और जो हमारे जो देश के देशवासी हैं क्या कहते हैं, उनको प्यार से बापू कहते हैं या राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी वाइफ नेम वाज कस्तूरबा गांधी
एंड दे हैड 4 sons। अर्थात महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और उनका 4 पुत्र थे। गांधी जी स्टडी लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मैंने हायर एजुकेशन अर्थात आगे की पढ़ाई के उन्होंने लंदन गए थे। ही रिटर्न टू इंडिया एज ए बैरिस्टर, वो क्या किए जब भारत लौटे तो क्या बैरिस्टर बन के आए थे। एंड टुक पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और उसके बाद क्या किया अपने जीवन को कहाँ लगा दिया, भारत की आज़ादी में लगा दिए। सो ही वॉज इम्प्रिजेंड सेवरल टाइम्स, इम्प्रिजन मैंने क्या होता है जेल, तो वह कई बार सॉरी टू एवरी वन एक्सट्रीमली सॉरी, तो कह रहा है कि सो ही वॉज इम्प्रिजन सेवरल टाइम, और कई बार क्या हुआ था जेल भी गए थे। अंडर हिज गाइडेंस वी बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, कह रहे अंडर हिज गाइड उनकी मार्गदर्शन में हम लोग कब हुए थे 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। ट्रूथ एंड अहिंसा वर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हिज लाइफ, उनकी जो जीवन का सबसे बड़ा हथियार क्या था कि सच्चाई बोलना है और कभी भी हिंसा नहीं करना है। महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गॉडसे ऑन 30 जनवरी 1948, अर्थात 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया था। अ स्पीच इज नॉट एनफ टू स्पीक अबाउट महात्मा गांधी, जो स्पीच है ये अब यहाँ भी थोड़ा चेंजिंग हुआ, स्पीच इज नॉट एनफ, ये जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये पर्याप्त नहीं है महात्मा गांधी के बारे में बताना। कौन सी वैल्यूज एंड डीड्स, उनकी जो कितना हमारे समाज के लिए उनकी मूल्यवान थे और उनके जो कार्य इतना बेहतर था कि उनके बारे में कहना है कि जितना भी कहें क्या होगा कम ही होगा। बट वी एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री कैन ऑनर हिम बाय लिविंग आवर लाइफ विथ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, कह रहे बट वी एज द फ्यूचर, जो हम लोग जैसे क्या फ्यूचर ऑफ द कंट्री, जो देश की जो भविष्य होगा, कैन ऑनर हिम, उन्हें क्या क्या सम्मान देता है बाय लिविंग आवर विथ हिज, उनकी जो सिद्धांत है किसका, सच्चाई का, पीस वन शांति का और अहिंसा का। एंड लीड आवर कंट्री टू एन इनक्रेडिबल नेशन, और उनकी करा के लीड, उन्होंने नेतृत्व किया हमारे देश के लिए बहुत ही क्या है इनक्रेडिबल, जो कभी मिट नहीं सके। ये हो गया भाषण, और ये जो जय हिंद का जो लाइन है तो एक ही पेज में आने के लिए मैं लिख दिया था, लेकिन जो जय हिंद है जस्ट नेशन के नीचे लिखेंगे, जो जय हिंद यहाँ पे लिखा हुआ आपको लोग लोक रहा होगा जय हिंद, नेशन के जस्ट नीचे लिखेंगे और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे थैंक यू धन्यवाद। था क्योंकि अगर आपके स्पीच को बहुत सारे लोगों ने क्या क्या ध्यान से सुना है तो ये इट्स योर ड्यूटी, ये आपके कर्तव्य बनता है क्या करें उन्हें धन्यवाद करें, चाहे भी बोल सकते हैं थैंक यू टू एवरी वन टू लिसन माई स्पीच केयरफुली, ये भी लिख सकते थे आप। तो जो जय हिंद लिखा हुआ है नेशन के जस्ट नीचे लिखा गया ऐसे करके जय हिंद, और इसी का जस्ट नीचे लिखा गया थैंकिंग थैंक यू। तो ये था स्पीच था जो कि महात्मा गांधी के बारे में था, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको देने भी आ जाएगा। तो थैंक यू, और वैसे लोग जो नए हैं आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें ताकि क्या हो इंग्लिश से रिलेटेड जिस भी तरह के कंटेंट हो सब बनाया जाएगा आपको एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव का।